दीपावली पर इस बार भी आदर्श स्टेडियम में अस्थायी पटाखा बाजार सजा। सोमवार को दीपावली पर्व पर बाजारों में अच्छी भीड़ नजर आई। नन्हे मुन्ने बच्चे अपने परिजनों के साथ पटाखा बाजार पहुंचे और पटाखों की खरीदारी करते नजर आए। वहीं दुकानों पर अच्छी चहल पहल के चलते दुकानदार भी खुश नजर आए। सुबह से शुरू हुआ खरीदारी का दौर देर रात तक जारी रहा। शाम होते होते पटाखा बाजार में इस कदर भीड़ उमड़ी कि यहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची। रोशनी का महापर्व दिवाली सोमवार को जिले भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर सोमवार को शहर के आदर्श स्टेडियम स्थित पटाखा बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही जहां पटाखा खरीद के लिए आए लोगों का जमावड़ा नजर आया तो देर शाम तक जारी रहा। लोगों ने पटाखा बाजार पहुंचकर पटाखों की जमकर खरीदारी की। अपने परिजनों के साथ आए नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने पसंदीदा रॉकेट, फुलझड़िया, तारे, रोशनी, चक्री, बंदूक समेत विभिन्न प्रकार के धमाके वाले पटाखे खरीदे। पटाखों की बिक्री में आई तेजी को लेकर विक्रेताओं के चेहरों पर खुशी नजर आई। अच्छी बिक्री को लेकर पटाखा विक्रेताओं ने अपनी अपनी दुकानों में पटाखों का स्टॉक फुल कर रखा है और हर दुकानदार ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने की होड़ में जुटा नजर आ रहा है। वहीं बम्पर खरीदारी के चलते कई दुकानों पर तो टोपर होते होते पटाखों का स्टॉक समाप्त हो गया। भारी बिक्री के चलते पटाखा दुकानदार खुश नजर आए। हालांकि इस बार पटाखों के भाव अधिक होने के बावजूद भी पटाखों की जमकर बिक्री हुई। पटाखा विक्रेताओं की उम्मीद से ज्यादा ग्राहक दीपावली को उमड़ पड़े। पटाखा बाजार में पूरा दिन अच्छी ग्राहकी व चहल पहल रहने से पूरा दिन मेले सा माहौल नजर आया। इसके साथ ही शाम होते होते पटाखा बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी। हर दुकान के काउंटर पर दर्जनों लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। शाम 5 बजे तक कई दुकानों के स्टॉक खाली हो गया। वहीं जिन दुकानों में स्टॉक बाकी बचा था वहाँ पर खरीदारों की भीड़ लग गई। आदर्श स्टेडियम जहां बीते कुछ दिनों से भीड़ है तो पुलिस प्रशासन यातायात की व्यवस्था संभालने में नाकाम दिखा। दरअसल स्टेडियम स्थित पटाखा बाजार में जाने और आने के लिए महज एक ही गेट को खुला रखा गया, जिसके चलते कई बार जाम की स्थिति बन जाती। सोमवार को जब मुख्य गेट पर जब जाम की स्थिति बनती दिखी तो DC लाइव का कैमरा चालू होते ही पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था दुरुस्त करते नजर आए।